जी, कैसे हो सब तुम लोग? बढ़िया से रहना, घर में ही रहना, ठीक है? बाहर निकलने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर में रहना है, पढ़ाई करते रहना है। देखो, एक्चुअली है ना, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन पास करना था कि नेक्स्ट वीक से, कमिंग सैटरडे से, हम लोगों का है ना अपना जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कमिंग सैटरडे से जितना भी स्टूडेंट्स का अभी तक कोर्स जहाँ तक कवर हुआ है, आप लोग वहाँ तक आपको है ना टेस्ट के लिए है ना अब प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। आपको प्रॉपर टेस्ट का एक शेड्यूल है जो आपको 1 या 2 दिन के अंदर है ना आपको मिल जाएगा, अपने अपने मोबाइल ऐप के थ्रू जिनका जो जो बैचेस होगा उसमें है ना वो शेड्यूल चला जाएगा। आपको क्या करना है कि जैसे आप ऑफलाइन के केस में है ना टेस्ट को सिंसियरली अटेम्प्ट करते थे, आपको ऑनलाइन का भी टेस्ट ना एकदम उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। किसी भी तरह का बीच में झोल फांद नहीं करना है, ठीक है? अपने आप को तैयारी करके रखना है और जहां तक हो सकेगा टेस्ट को एकदम बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करके रखना है जैसे कि आप ऑफलाइन में सिंसियरली करते थे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा मोबाइल ऐप के थ्रू और 2-4 है ना टिक करके चला जाए। ऐसे क्या होगा ना कि आप ही का खुद का नुकसान हो रहा होगा। टेस्ट को ऐसा बना के रखना है कि जैसे लगे कि एकदम हम फाइनल एग्जाम की तरह है ना टेस्ट देने जा रहे हैं और तैयारी उसी लेवल में करेंगे और उसका अटेम्प्ट भी उसी लेवल में करेंगे। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपके पास जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को बाकायदा है ना बहुत अच्छे से एनालाइज करना कि आपसे क्या मिस्टेक हुआ, कहाँ आपको और काम करने का जरूरत है। तो ये सारा चीज आपको उस टेस्ट के लिए देखना होगा, ठीक है? तो देखो, जैसे हम लोग आपको ऑफलाइन मोड के अंदर है ना पर वीक का टेस्ट लेके चलते थे, तो अब हमारे ऑनलाइन मोड पे भी है ना टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो कमिंग सैटरडे से है ना टेस्ट होगा और लगभग हर सैटरडे को टेस्ट रहेगा। जो भी टेस्ट का सिलेबस है आपको सबसे पहले बता, मतलब उसके 6-7 दिन के पहले आपको है ना बता दिया जाएगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या है। या बाकायदा ऐसे सोचो कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस ही है ना आपके मोबाइल ऐप में लोडेड रहेगा कि कब कौन सा टेस्ट होना है, बस आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते जाए तैयार करते जाए। एक लंबे जर्नी के लिए हम लोग स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? हम लोग को जेईई मेंस एडवांस या नीट के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो हम लोग को टेस्ट एकदम ईमानदारी से देना है। जिस स्टूडेंट का 80 से 90% टेस्ट अटेम्प्ट होता है और वो भी फुल फुल फ्लो में, मतलब उसमें किसी तरह का चोरी नहीं है, उसमें पूरी तरह से ईमानदार एफर्ट लगा हुआ है, अच्छे से तैयारी किए है फिर टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद एनालाइज किए हैं कि क्या सही है क्या गलत हुआ, कहाँ मिस्टेक हो गया, क्या सीखना चाहिए, तब जाके एक टेस्ट कंप्लीट है। जो स्टूडेंट अपने आप को 80 to 90% टेस्ट में इस तरह से है ना अपने आप को प्रिपेयर करके जाएगा, आप मेरा गारंटी लिख लो, उसका करंट ईयर में अच्छे से अच्छे जगह पे एडमिशन होना ही है, ठीक है? आप एक चीज ध्यान रखिए, ये पेंडेमिक आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका कैरियर आपके लिए बहुत बड़ा चीज है। जो आप अभी मेहनत करेंगे उसी पे आपका कैरियर बनना है और उसी हिसाब से आगे चलना। हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते, हम लोग ये सोच के काम ही नहीं कर सकते हैं, हाँ, कि हमारा है ना कैरियर आगे नहीं है। हाँ, हम लोग ये नहीं सोच सकते कि पेंडेमिक अगर हम लोगों के साथ कुछ आगे पीछे हो गया तो, ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते ना यार। थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में भरो सबको। हम लोगों को तैयारी क्या करना है, अपने आप को बना के रखना है, हम फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है? घर में रहेंगे, हम बाहर निकल के कोरोना से लड़ाई करने नहीं जा रहे, घर में रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे, अपने चाहने वालों को बचा के रखेंगे, अपने सराउंडिंग को सेव करने का कोशिश करेंगे, अपने आप को सबसे पहले है ना सेव करने का कोशिश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम फ्यूचर को भी ध्यान में रखेंगे। सो मेरा सजेशन ये है कि जो टेस्ट आपके सामने अब प्रेजेंट किया जा रहा है उसको 110% एफर्ट से अटेम्प्ट करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स को सिक्योर करो, ताकि जब हमारा एक्चुअल एग्जामिनेशन आए तो आपको फील ही ना हो कि एक्चुअल एग्जामिनेशन कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप डेली से डेली उसी तरह का क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, उसी लेवल में बनाते आ रहे हैं, जबकि उससे 2 लेवल ऊपर बनाते आ रहे हैं, ठीक है? चलो, बढ़िया से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सबको बढ़िया करना है, ठीक है? थैंक यू।